तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखानितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तथापि कीर्तयामि अंग यथा मति यथा सतम कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुं गिरं मन्यभिदासति। हरे कृष्णा। गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में हम चतुर्दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा कीर्तन रस का आस्वादन कर रहे हैं। सुदूर प्रांत से आए हुए सभी माताओं को भक्तों को एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे। तो गोपाष्टमी के दिन में ठाकुर जी अपने दाऊ भैया के साथ सबसे प्रथम बार बछड़े चराने से गाय चराने के लिए उपयुक्त हुए। हमने कल कथा में सुना ये कोई साधारण बात नहीं थी कि बस मन हो गया बोल दिए कि मैया अब गाय चराने जाना है तो मैया ने कहा ठीक है जाओ। ऐसा हुआ क्या? इस घटना के पीछे कितने सारे ब्रजवासियों का विशेष करके बाबा नंद और मैया यशोदा और सखा सखी सभी प्रसन्न थे और कितना मीटिंग्स हुए इसके। कल आपने सुना एक तरफ सखाओं का गोपों का नंद बाबा के पांच भाई थे। एक बार स्मरण कर लेते हैं सबसे बड़े उपनंद महाराज फिर अभिनंद फिर नंद फिर सुनंद और नंदन ऐसे पांच भाई हैं। तो भगवान के दो ताऊ हैं और दो चाचा हैं। तो सभी मीटिंग्स कर रहे थे किए और फिर माता यशोदा के जो सहेलियां थी रोहिणी माता और उपनंद अभिनंद महाराज के पत्नियां उन्होंने भी विचार विमर्श किए। किसी के भी मन में ये विशेष करके बाबा नंद और यशोदा मैया के मन में ये इच्छा नहीं था कि लाला को जंगल में छोड़ दे। क्यों आशीष को लाला को छोड़ देंगे आप लाली को? देखो मना कर रहे हैं। तो बताइए जब हम साधारण इस जगत में अपने पुत्र पुत्रियों को जंगल की बात छोड़िए इसको हमें नहीं छोड़ते।
थोड़ा मन में संशय आता है जब अगर मंदिर ज्यादा जाने लगे तो माता पिता को लगता है आजकल ज्यादा ही मंदिर मंदिर सुयोग अनुभव है प्रभु जी राधा कुंज बिहारी मंदिर से आए तो संशय होता है। हाँ हाँ जाना चाहिए ऐसा कहें हर दिन जाना चाहिए कभी कभी थोड़ा थोड़ा चक्कर लगाना चाहिए। हम भी जाते हैं मंदिर कौन नहीं जाता सब हम भी मंदिर जाते हैं। ये क्या दिन रात उसमें ही भाई और कुछ काम धंधा है नहीं और बहुत बहुत धंधा है 84 लाख योनि में चक्कर काटना है बहुत सारा काम धंधा है पूरे संसार में भटकना है ऐसा मन में आता है किसी के भी मन में। बताइए वात्सल्यमयी माता सब सर्वश्रेष्ठ माता कौन यशोदा कैसे अपने पुत्र को छोड़ देगी कि जंगल में चले जाए वन में गाय चराने के लिए। वो तो बिल्कुल मना कर रही थी बाबा का भी वही स्नेह था लेकिन आपने सुना कि ऐसा कुछ घटना हुआ जिसके वजह से बाबा को विवश होना पड़ा कि ये अनुमति दे दे कि अपने पुत्र को गाय चराने जाना चाहिए। वो घटना क्या था थोड़ा सा याद दिलाइए था कल हमने चर्चा की थी गाय जो दो दल है बछड़े के दल से मिल गए और बछड़ों को कौन चरा रहे थे कृष्ण और गायों को कौन चरा रहे थे जो ग्वाले बड़े ग्वाल और जब मिक्स हो गए तो बस एक बार बस कोई कृष्ण से बस मिक्स होना है उसके बाद तो उसका संसार हरी बोल हरी बोल के कई अर्थ हो जाता है। तो गौ मनुष्य की ऐसी हालत है गौओं की क्या है तो जितने गाय थे और भाई किसी ग्वाल के पास जा नहीं रहे थे वन में नहीं जा रहे थे तो सब इनके दल में मिल गई। तब जाके सबने कंप्लेन किया कंप्लेन तो नहीं सब लोगों ने ये प्रस्ताव रखा अब तो कृष्ण को छोड़ना पड़ेगा गाय चराने के लिए नहीं तो बोलिए भगवान ने अपनी पैरवी की चाचा से पापा को तो डरते थे ना चाचा से करते थे और उनको कि हमारे बाबा को थोड़ा बताइए कि कुछ करें प्रस्ताव को आगे बढ़ाएं ऐसे करके बात हुई तो आखिरकार नंद बाबा को हाँ नहीं बोले मौन रह गए। मौन का अर्थ है ठीक है स्वीकृति। उधर मैया भी सारे माताएं कह रही थी अरे मैया तुम क्यों इतना घबराती हो अभी तक जितना भी जितने भी आपदाएं हुए उससे लाला को किसने रक्षा किया पूतना आई थी हर ग्रह से पूतना माता जी और फिर तृणावर्त प्रभु जी भी आए थे और इतने सारे सब मामा श्री कितने खिलौने भेजते थे भांजे को पसंद ही नहीं आता था तोड़ देते थे तो इतने सारे आपदाओं से किसने बचाया तो ये इन्होंने कहा कि तुम्हारी पुण्य का प्रताप इसलिए हमने एक पॉइंट सिद्धांत की बात करी थी। पिता माता जब कुछ भक्ति करते हैं तपस्या करते हैं व्रत करते हैं वो उसका प्रभाव संतान के ऊपर भी होता है जिसके लिए करते हैं क्योंकि उनके ही संतान है ना। तो इस बात पर फिर आखिरकार में सम्मति हो गई लेकिन कब जाए कार्तिक बोलो शुक्ल अष्टमी ये तिथि मुहूर्त कार्तिक शुक्ल अष्टमी और दिन कौन सा बुधवार। अब की बार कौन सी बार आ रहा है शुक्रवार को 12 तारीख लेकिन वो दिन था बुधवार और श्रवण नक्षत्र ये सबको मुहूर्त को देखते हुए पंडितों ने कहा कि ये दिन अच्छा रहेगा कि मेरे प्यारे श्याम सुंदर और दाऊ भैया सभी सखाओं के साथ गाय चराने जाए। जब ये बात चारों ओर फैल गई कि इस दिन हमारे ठाकुर जी दाऊ भैया के साथ प्रथम बार गाय चराने जाएंगे तो पूरे ब्रज में सजने लगे सब नए नए वस्त्र पहने। उस दिन आप देखेंगे हमारे
इस्कॉन मंदिर में भी सारे नए वस्त्र पहन के जाते हैं गोपाष्टमी के दिन, और विशेष करके जो कन्याएं हैं, गोपियां हैं, माताएं हैं, वो तो सिर पे पगड़ी बांध देते हैं गोप की तरह। क्योंकि उस दिन एक और लीला भी हुआ था राधा रानी का गोप वेश या सुवल सखा वेश के, वो कैसे मुझे लगता है उस दिन ही बताएंगे, बड़ा प्यारा है, आप लोग याद दिलाएंगे परसों कि आखिर श्री जी के चरण दर्शन क्यों हुए, श्री जी ने गोप वेश धारण क्यों की राधा रानी में, उसका एक सुंदर मनोहर लीला है। तो ये सब सजावट हुई, बड़े बड़े तोरण लगे और केले के पत्ते और पताका झंडे सब तारों और सब सजाए, जैसे मंदिर में जन्माष्टमी फेस्टिवल होता है कैसे लोग सजाते हैं, गोवर्धन पूजा होती है तो कोई उत्सव कैसे मनाते हैं मंदिर में सारे भक्त, तो सब सजा रहे थे और सभी गीत गा रहे थे, नाच रहे थे, जैसे आप अभी लोग कर रहे हैं। आनंद है, ये गिरिराज के तलाटी में बैठे हैं, मत सोचिए कि आप पूना में, मुंबई में, आगरा में बैठे हैं, हम गिरिराज के तलाटी में बैठ के उन्हीं के ही लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो क्यों ना आनंद में हम भी उसमें थोड़ा सहभागी हो जाए। अरे शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि जिस दिन हमारे प्यारे ठाकुर जी ने गाय चराने के लिए निकले, देवता लोग गोप वेश धारण करके, देवताएं गोप वेश में भी ठाकुर जी के साथ गाय चराने गए, क्या सौभाग्य है। देवताओं को वो तरस के कि हम भी गोप बन जाते, हम भी ठाकुर जी के साथ गाय चराने जाते। तो इसे गोप वेश में इतने असंख्य गोप थे, इसलिए कल हम बोल रहे थे ना यहाँ ब्रज में बड़े प्रसिद्ध गाते हैं संगीत का, तब तो वो छोटे छोटे थे, छोटे छोटे गैया छोटो छोटो ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अब तो कन्हैया 6 साल के हो गए, प्रौगंड अवस्था हो गया, प्रौगंड अवस्था में ही किशोर अवस्था की तरह दिख रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर मुख कमल, नील मणि को भी फेल करने वाले नील मणि। हरे कृष्ण। और सुंदर बादल जो मेघ के समान जिनका वर्ण है, इतना सुंदर रूप है। और दाऊ भैया की क्या कहना, दाऊ भैया की छाती जोड़ी और कमल के समान आंखें, घुंघराले बाल, दोनों गोप वेश। इसीलिए पूरे प्रसंग में 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में संस्कृत में द्विवचन में प्रयोग हुआ है, कृष्ण बलराम तौ, इस प्रकार, क्योंकि दोनों का एक साथ बनना भागवत प्रमाण है। इसीलिए जीव गोस्वामी अपने टीका में लिखते हैं दोनों भाई में कितना अंतर है कौन बताएगा, कितने कितने दिन का, कितने साल का अंतर है, केवल 8 दिन का, कितना, केवल 8 दिन का। जब 8 दिन के दो बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो ट्विंस नहीं कहेंगे, ट्विंस जुड़वे, जैसे प्रभु जी के, देवी जी के दो बेटे हैं, ट्विंस है। तो 8 दिन के अंतर है, भागवत के जीव गोस्वामी टीकाकार कहते हैं। तो उसी प्रकार से ज्यादा कोई अंतर नहीं था, तो सभी लीलाएं साथ साथ करते थे। इसलिए आप देखेंगे कभी आप नंदगांव जाएंगे दर्शन करने, नंदगांव से प्रभु जी आएंगे ब्रजेश, तो वहां अगर दो भाई को देखेंगे कृष्ण बलराम को, दाऊ और कन्हैया को, ज्यादा अंतर नहीं दिखता, क्यों ना प्रभु जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल एक जैसा दिखते हैं। क्योंकि दाऊ भैया ने भी कहा कि मैया तुम बस कन्हैया को ही सजाते हो, हम नहीं सजेंगे। तो यशोदा अपने बलराम को कृष्ण की तरह सजा देते, तो दोनों में अंतर नहीं है, केवल रंग का थोड़ा अंतर है, एक सांवले है दूसरे गोरे हैं। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद काले हो गए,
वहां दोनों, वहां दोनों सांवले हैं नंदगांव। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कहते हैं, अपने शिष्यों को पूछते हैं कि बताइए कृष्ण और बलराम में अंतर क्या है। तो कोई शिष्य कहा गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद रंग में अंतर है, एक सांवले हैं और गोरे हैं, और क्या अंतर है बताओ। तो और कोई कुछ कह रहे थे, कोई कह रहे थे रोहिणी नंदन है, वो यशोदा नंदन है, लेकिन एक बात छूट रहा था सबसे। उसको गुरुजी पूछ रहे थे और बताओ और बताओ। तो चलिए गुरुजी के पक्ष से हम भी आपको पूछ लेते हैं, बताइए तो उन दोनों में क्या विशेष अंतर है। वैसे ज्यादा अंतर नहीं है, केवल और केवल कृष्ण ही श्री जी के साथ है, है ना, यही अंतर है। श्रीमती राधा रानी की तो सारो और सज धजने लगे और गाय चराने के लिए प्रस्तुत हुए। और इस प्रसंग में मैं आपको एक वृत्तांत सुनाना चाहता हूं, जो कवि कर्णपुर हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर ने लिखा है, आनंद वृंदावन संपूर्ण। थोड़ा सा उसमें से माधुर्यमय लीला का श्रवण करते हैं कि जब भगवान कृष्ण बलराम प्रौगुण्ड अवस्था में प्रवेश किए, किशोर अवस्था में, प्रौगुण्ड अवस्था में ही किशोर जैसा दिखते थे, तो उसी प्रकार से किशोरी जी अपने सब सखियों के साथ ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता और बोलिए सब जितने सखियां आप देख रहे हैं वो भी उसी उसी तरह बढ़ रही थी, बड़ी हो रही थी। देखो बच्चे जब छोटे रहते हैं ना, देखिए आप छोटे बच्चे का ही है, जब छोटे रहते हैं उनमें वो आकर्षण नहीं रहता है। हमने भी हम सब लोगों ने बचपन में कितने खेलते थे, लड़के लड़कियां सब साथ साथ खेलते थे। लेकिन ऐसा एक समय आता है जब व्यक्ति के मन में थोड़ा सा लज्जा संकोच और शारीरिक लक्षण भी कुछ अलग होने लगते हैं और चेहरे पे कुछ अलग लक्षण ये सब दिखने लगते हैं, जो जो यौवन अवस्था का प्रारंभिक। तो ये अवस्था को हमारे ठाकुर जी प्रवेश किए, जिसको प्रौगुण्ड अवस्था कहते हैं। उसी तरह श्री जी अपने सब सखियों के साथ किशोरी अवस्था में प्रवेश करने लगे। अब ये भी प्रसंग अलग अलग मतांतर है, लेकिन हम क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय में हैं और गौड़ीय आचार्यों को मानते हैं, इसलिए पुनः जीव गोस्वामी अपने श्री गोपाल चंपू में वर्णन करते हैं, केवल एक साल और 15 दिन का अंतर है हमारे प्यारे ठाकुर जी और श्री जी में, याद रहा। तो ये भी बड़ी हो रही थी सब अपनी सखियों के साथ। तो जब ऐसी अवस्था आती है, किशोर अवस्था में प्रवेश करती है, तो उनमें भी सब लक्षण दिखने लगे। बचपन में छोटे बच्चे बालू में रेत में कैसे कैसे खेलते थे, वो कन्हैया भी रेत में खेलते थे, ब्रज में लौटते थे, बछड़ों को बछड़ों के पूंछ पकड़ के पीछे पीछे भागते थे, कितने सारे नटखटपन करते थे, माखन चोरी करते थे, क्या क्या नहीं करते थे। अब थोड़े सयाने हो गए, वो बचपना नहीं रहा, अपने आप ही स्वयं ही उनमें शारीरिक लक्षण अलग दिखने लगे, एक्टिविटीज कार्यकलाप भी थोड़े थोड़े अलग हो गए। विस्तृत रूप से वर्णन है, उसी प्रकार से किशोरी जी भी श्रीमती राधारानी और अपनी सखियां सब, उनका रंग रूप आचार व्यवहार कार्यकलाप शैली सब धीरे धीरे बदलने लगे। अर्थात जो निसंकोच किसी से बात करते थे, किसी से किसी गोप से बोलते, अब वो संकोच करने लगे, है ना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं अपने आप एक शरीर में एक लक्षण होता है, वो संकोच करने लगते हैं, अब
थोड़ा सा शर्माते हैं, सकुचाते हैं, नजर झुकी रहती है और धीरे धीरे अपने तिरछी नजर से देखते हैं और इशारा इशारे ही इशारों से बात करते हैं। ये सब वर्णन है वास्तव में। अब देखिए क्या है, हम भौतिक जगत के हैं ना, तो भौतिक जगत में ये सब कार्यकलाप दिखता ही है। तो हम अपनी नजरों से भौतिक कार्यों से भगवान के लीलाओं को नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत का ही विकृत प्रतिबिंब है। शब्दों को ध्यान दीजिए, इसको इंग्लिश में कहेंगे परफेक्टेड रिफ्लेक्शन। पेड़ है नदी के किनारे, तालाब के किनारे, उसका प्रतिबिंब तालाब में आता है, कैसे दिखता है? उल्टा, एग्जैक्टली, धन्यवाद, उल्टा दिखता है। तो आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है वो उल्टा दिखता है भौतिक जगत में, जिसको कहते हैं काम। क्योंकि यहां सब अपनी इंद्रियों के चक्कर में, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छी लगती है, ये सब इसमें ही। क्या इस संसार में कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि श्याम सुंदर को अच्छा लगता है, मेरे ठाकुर जी को अच्छा लगता है? जब यही भावना बदल जाती है तब तो फिर हो जाता है प्रेम। रसोई सब करते हैं, माताएं यहां बैठे हैं, रसोई सब करते हैं, क्या कभी मन में ये सोचते हैं कि आज फलाने बार है, आज ये सब्जी बाजार में बहुत फ्रेश मिलता है, आज मैं अपने प्यारे श्याम सुंदर को ये खिलाऊंगा? देखिए कितना भावना में बदल जाती है। तो सारे कार्यों को, सभी कार्यों को हम इस तरह से, यही तो हम यहां इसलिए बैठे सुन रहे हैं कि जो ब्रजवासियों का स्वाभाविक प्रेम, हमारे ब्रजेश जी कहते हैं प्राय, मैं एक बार हमारे ब्रजेश जी को पूछा कि आप हमारे गुरु जी के इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं, तो गुरु महाराज से दीक्षा क्यों नहीं? तो इन्होंने कहा कि हरे कृष्ण हरि बोल। आवाज प्रभु जी थोड़ा चेक कीजिए, तो लूज कनेक्शन। हरे कृष्ण। तो गुरुजी ने कहा, ये मुझे कह रहे थे कि गुरु महाराज ब्रजवासियों को दीक्षा नहीं देते हैं, वो इसलिए यही ना, वो कहते हैं कि बता दो कहते हैं जो ब्राह्मण होता है जन्म से वो सबका गुरु है। जो ब्राह्मण है ना, जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, वो पैदाइश से सबका गुरु है, जगत गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण गुरु सन्यासी। सन्यास जो लिया है वो चार वर्ण और आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, सबका गुरु है वो, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी के गुरु अविनाशी भगवान। भगवान सबके, कृष्णम बंदे जगत गुरु, अविनाशी गुरु ब्रजवासी। बोलो ब्रजवासी। तो ब्रजवासी ठाकुर जी के भी गुरु हैं, इसलिए गुरु महाराज ब्रजवासियों को दीक्षा नहीं देते। पूछे इनसे ऐसे ही। तो कहने का अर्थ है कि हमारे प्यारे ठाकुर जी, इस प्रकार से श्री जी भी अपने सभी लक्षणों से युक्त थी। आप राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ेंगे तो उसमें श्री जी का इतना सुंदर वर्णन है, एक सुना दो। उसमें एक प्यारा श्लोक है, केवल मेरा तो इतना ही अधिकार है, मैं उससे ऊपर जा ही नहीं पाता हूं, श्री जी के चरणों को ही ध्यान करता हूं, स्मरण करता हूं। सुनिए श्री जी के चरण कैसे हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा।
निरंच जा बर प्रदय अपार सिद्धि रिद्धि दिग्धम सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। हमारे श्री जी के 10 नख कमल, 5 और 5 10 नख कमल, उनके चरण आप देखेंगे गोपाष्टमी के दिन कितना सुंदर चरण दर्शन होता है। क्या है उस श्री जी के चरणों में, अनंत कोटि विष्णु लोक वैकुंठ, अनंत कोटि है और अनंत कोटि वैष्णव है जिनके नख चंद्रमा को एक छोटा सा कणिका को प्राप्त करने के लिए ताक के रहते हैं, है ना। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, और पद्मजार्चिते शब्दों को ध्यान से सुनिए, पद्मजा पद्म से जो जात हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी जिनको अपने 4 मस्तक के ऊपर धारण किए हैं, मानगढ़ दानगढ़ भानगढ़ और विलासगढ़, श्री जी को अपने मस्तक पे धारण किए। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, हिमाद्रिजा पार्वती पुलोमजा इंद्राणी सची विरिंचजा ब्रह्माणी, ये सभी उनके चरण कमलों के नख चंद्रमा से दूसरों को आशीर्वाद देने की शक्ति प्राप्त करते हैं। ये जो जय माता जी के नारा लगते हैं ना, ये जितने भी सब देवियां हैं किनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, श्री जी के चरणों से, नम्र पद्मजा नम्रता से प्रणाम करते हैं उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध छत पदांगुली नखे, जितने भी सब अष्ट सिद्धि नभने दिखे दाता अस्वर दीन जानकी माता, तो जितने भी सब सिद्धि और लिद्धि है रिद्धि है सभी प्रकार के सब कुछ श्री जी के चरणों में है। भक्तों इस शब्दों को विश्वास कीजिए, हृदय से एक बार श्री जी के चरणों को प्रार्थना कीजिए, गारंटी है हरि हरि जो भी चाहिए जो भी हमें मनोकामना है पूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं, ऐसे श्री जी कब हमारे हमारी ऊपर तिरछी नजर से देखें, इंग्लिश में कहते हैं साइड लॉन्ग ग्लैंस, अपने तिरछी नजरों से हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करें। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी स्वदेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। तो समग्र ब्रह्मांड के सभी प्राणियां श्री जी के चरणों के नख चंद्रमा के एक छटा को प्राप्त करने के लिए कृपा भिक्षा करते हैं। ऐसे श्री जी अपने यौवन अवस्था में प्रवेश कर रही है और अपने सखियों के साथ सारे ऊंचा गांव ललिता सखी और कौन से गांव बाकी सखियों के गांव चित्रा सखी चक्षोली है ना, सभी अष्ट सखी हम श्री जी के कृपा से जाएंगे दर्शन करने। करेला तो करेला नहीं करहेला, डबारा राकोली अजनो अजनो इंदुलेखा
चंपक लता सखी करेला रंगोली रंग देवी सुदेवी सुनहरा और श्री देवी भू देवी माधवी देवी ये देवी वो देवी जितनी देवी सब देवी अलग अलग ब्रज के सारे गोपी चंद्रावली हरिठोरा देखो चंद्रावली सखी। तो कहने का अर्थ है सभी सखियों के ऐसे अपनी किशोरी अवस्था में तो जैसे जैसे मैंने कहा ना कि एक 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 शरीर की एक आयु की एक अवस्था है एक आयु होती है जिसमें स्वाभाविक रूप से एक आकर्षण जागृत होता है। जैसे हम इस संसार में देखते हैं किसी स्त्री पुरुष में वैसे वो तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वैसे ही समझ लीजिए समझने के लिए मैं कह रहा हूं वैसे ही भगवान के धाम में अपने नित्य प्रेयसी नित्य सखी नित्य प्रेयसी इनका भी ऐसे भाव जागृत होता है। कैसे जैसे अभी संक्षेप में मैं वर्णन कर रहा हूं बहुत विस्तार है। श्यामा एक सखी है और हरे कृष्ण प्रभु जी स्वागत है बैठिए। सुदूर दूर अलग अलग प्रांत से भक्त सब आए हैं बैठे तो सभी सखियां एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो कभी विशाखा सखी कहती है तो कभी ललिता सखी कहती है कभी श्यामा सखी कहती है और श्री जी को चिढ़ाते हैं क्योंकि अभी वो स्थिति आ गई ना कि उनको संकोच लगता है और तिरछी नजरों से देखते हैं पर्दे के पीछे से देखते हैं। इस इत्यादि लक्षणों को देखते हुए सभी कहते हैं कि विशाखा ललिता श्यामा इत्यादि सब सखियां सभी श्री जी से परिहास करते हैं सखियां अपने सखियों से परिहास करेंगे। तो कहते हैं कि अच्छा सखी मेरे पास एक बहुत अच्छा वस्तु है मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ देखोगी। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं देखना है श्री जी मना करते नहीं एक बार तो देखो उसका रंग है ना सांवला है ऐसे तुरंत सुनते ही क्या है दिखाओ कुछ भी सांवला हो तुरंत क्या है दिखाओ जल्दी दिखाओ जल्दी जल्दी दिखाओ देख अपने आप ही। इसको कहते हैं पूर्व राग दसम स्कंद के 21वें अध्याय ये 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं यहां से शुरू होता है पूर्व राग कि किशोरी जी अपने सखियों के साथ प्रकट हुई हैं ठाकुर जी भी प्रकट हुए हैं अभी वो राग भाव जागृत नहीं हुआ है लेकिन एक आयु होती है उस आयु में जब प्रवेश करते हैं तो कुछ खोया खोया लगते हैं कहते ना कुछ खोए खोए लगते हैं और मन कहीं और है कार्य कुछ और हो रहा है। तो इस प्रकार से जब लक्षण दिखने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है दाल में कर लगे। तो ऐसे ही जैसे ठाकुर जी बढ़ रहे हैं तो किशोरी जी भी ऐसे बढ़ रही है। तो एक दिन की बात सुनिए इस दिन की एक सखी जो श्यामा सखी है श्री जी से कह रही है कि और बाकी भी सखियां हैं मतलब श्री जी को सुनाते हुए कह रही है बाकी सखी अरे ललिते अरे विशाखे सुनो सुनो क्या हुआ। एक दिन वो हमारे नंद को छोरा श्याम सुंदर प्यारे हाँ अपने नील मणि के समान सुंदर स्वरूप बहुत सुंदर पगड़ी बांधे हैं मोर पंख लगाए हुए हैं वेणु धारण किए हैं और अपने दाऊ भैया के साथ और सखाओं के साथ गाय चराने के लिए निकले वन में निकले। तो उनको स्पर्श करके हवा जो बहने लगी हवा बह रही थी वो हवा बहने लगा और हवा बहके सारे पूरे उस क्षेत्र को सुगंधित कर रहे थे और श्री जी अटारियों में थे मतलब जो आप लोग बालकोनी कहते हैं गैलरी पे अपने घर पे और वो सुगंध प्राप्त करते ही सुगंध जैसे ही लगा हमारे प्यारे श्याम सुंदर का गंध और श्री जी एकदम आकर्षित हो गई
लेकिन बाहर नहीं जा सकती क्योंकि लोक लज्जा है ना। इसको देख रही है, ऐसे कहेंगे ना लज्जा है, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती। तो झरोखे से झरोखों में पर्दा है। अब वृत्तांत को ऐसे सुनिए जैसे आप अपने मन में तो वो पर्दा जो है झरोखे में वो उसके पीछे खड़ी थी और इधर से नीचे से ठाकुर जी दाऊ भैया के साथ जा रहे हैं। अब एक देखो हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, मैं उनकी वाक्यों को उद्धृत कर रहा हूँ। सबके दो दो आंखें हैं ना, दो आंखें हैं। तो श्री जी एक आंख से अपने घर वालों को देखती है, कोई आ ना जाए, दो आंख है ना, तो एक आंख से अपने घर के सब रिश्तेदार हैं सबको देख रही है। वो कई जटिला कुटिला है ना, कई प्रकार के। हाँ, तो एक आंख से अपने घर वालों को परिवार सज्जनों को देखती है और एक आंख के आधी आंख से, एक आंख के आधे नेत्र से पलक से कही आधे आंख से वो पर्दे को थोड़ा सा सरका के और नीचे देख रही है कि श्याम सुंदर अपने दाऊ भैया के साथ सखाओं के साथ गाय चराने जा रहे हैं और ऐसे देख रही है कहाँ गए ऐसे ऐसे पीछे से देख रही है। और अपने आप तो जानते हैं हमारे प्यारे ठाकुर जी कैसे हैं वो सब जानते हैं, जान बुझ के ऐसे होते हैं। वो जा रहे थे, दोनों भाई साथ में जा रहे थे तो धीरे धीरे उनकी गति रुक गई कन्हैया और बाकी सब आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे ये थोड़ा सा स्लो मोशन हो गया और तुरंत पलट के ऐसे देख रहे। और जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, नजर हटा के सब सखाओं से नजर हटा के तुरंत पलट के पीछे देखे और श्री जी ने पर्दा को ऐसे पर्दा को फिर से खींच लिया और धीरे से खोल के अपनी एक आंख से प्यारे श्याम सुंदर को देख रही थी। और बस उसके बाद तो क्या, नजरों से नजर मिली, मुलाकात हो गई। उसके बाद आप जानते हैं दोनों रहे खामोश, फिर भी बात हो गई। तो वो जो क्षण था उसको कवि कर्णपुर अपने आनंद वृंदावन चंपू में लिखते हैं। अलंकारिक भाषाओं में इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि मेरे पास तो वो शब्द भी नहीं है, ना मैं अधिकार हूं, मेरे पास अधिकार है सब वर्णन। लेकिन एक बार इस ब्रज वृंदावन में रह रहे हैं, कोई मुंबई आगरा दिल्ली पुणे में नहीं रह रहे हैं, इसलिए इस रस का आस्वादन कर सकते हैं कि कैसे श्री जी जब ठाकुर जी को देखती है और एक नजर से ही ठाकुर जी ऐसे देखे और उसके बाद जो हुआ सो आप तो सुने ही, उसके बाद फिर अपने सखाओं के साथ कंधे पे हाथ डाल के जा रहे। तो उसमें भी कुछ अलग प्रकार के सखा हैं जिसको कहते हैं प्रिय नर्म सखा। फॉर एग्जाम्पल सुबल भगवान के प्रिय नर्म सखा हैं। प्रिय नर्म सखा कौन होते हैं कि जो दिल की बात को जानते हैं। कुछ सखा थोड़े बड़े होते हैं, कुछ थोड़े कम उम्र के होते हैं, कुछ समस्कंद होते हैं, सम वयस्क होते हैं, लेकिन कुछ जो है बहुत ही प्रिय अर्थात हृदय की बात जान लेते हैं। तो ऐसे सखा जिसको प्रिय नर्म सखा कहते हैं, श्याम सुंदर जी ऐसे चलते चलते बात कर रहे हैं, अरे सखे तुमने कुछ देखा क्या? वो भी कोई कम नहीं है, नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा, तुमने क्या देखा बताओ? नहीं मैंने देखा कि मैं आसमान को देख रहा था, ऊपर आसमान को देख रहा था, इतना सुंदर घना बादल से भरा हुआ आसमान, अचानक मैं देखा उसमें से बिजली चमकने लगी और बहुत सुंदर बिजली थी, देखने में सुनहरे रंग की बिजली थी। अब बिजली तो सुनहरे ही रंग की, अब इसमें क्या विशेषता है? अब सखा बोल रहे हैं, अच्छा और क्या क्या देखा, कैसे दिख रही थी वो? अरे वो बिजली की बात कह रहा हूं, तुम क्या कह रहे हो?
घना बादल था, वो बादल से थोड़ा थोड़ा वो ढकी हुई थी और अचानक से वो बिजली प्रकट हो गई। वो बिजली चमकने लगी, कड़कने लगी और एक झलक मात्र से ऐसा मानो कि पूरे तीनों लोगों को स्तब्ध कर दिया। इंग्लिश में कहते हैं ना स्टन हो गए सब, सब एक टक हो गए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? और बिजली कैसे चमकती है? थोड़े समय के लिए चमकती है ना, उसके बाद ओझल हो जाती है। और मैं जैसे ही नजर फेरा वो बिजली को देखने के लिए, थोड़े समय में ही फिर अदृश्य हो गई। उसके बाद तो क्या कहूं, मेरा हाल तो बेहाल है। चलो चलते हैं गाय चराने। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं पुर पुराण, जो नित्य प्रेयसी है, नित्य शक्ति है, नित्य संगी है। इनका जब इस व्रज भूमि में अवतरित होता है, जब मिलन होता है, तो ऐसे भाव की जागृति होती है। तो इसी को श्यामा, विशाखा, ललिता आदि सखियां उनसे चिढ़ाते हुए और मजाक में, परिहास में उनको बहुत कहते हैं। तो यहां अभी सुनिए जैसे प्रसंग में कि गोपाष्टमी के दिन में सभी ग्वाल बाल और सभी कन्हैया कन्हैया दाऊ भैया अपने सभी ग्वाल बालों के साथ तैयार हो गए। आखिर अनुमति मिल गई। यशोदा मैया तो हृदय के ऊपर पत्थर रख के अनुमति दी, कैसे अनुमति दे दी अपने लाला को जंगल में छोड़ने के लिए। लेकिन सभी लोगों ने जब कहा तो सबकी अनुमति से फिर वो तैयार हो गए। तो चारों ओर सजावट हुई, ब्राह्मण सब सूती वाचन करने लगे। अब यहाँ एक सुंदर वर्णन आता है, ध्यान से सुनिए। हमारे प्यारे ठाकुर जी जितने गाय थे, अब जितने गाय आप समझ जाइए कितने गाय थे, नंद बाबा के कितने गाय थे, सभी गायों को आरती उतारे, पूजा किए। वो हाथ में एक निशान होता है ना गायों में से डालता, शकुन के निशान है ना, गोपाष्टमी के दिन में मेहंदी कुमकुम, वो सब सभी गायों के ऊपर ऐसे निशान लगाए। गौ माता के खुर में अपने माथा टेक के, शब्दों को ध्यान दीजिए, गौ माता के खुर में अपनी माथा को रख के स्मरण प्रणाम करके अपनी माथा को वहां झुकाए और पूंछ को, सभी गौएं के गाय जितने थे सबके पूंछ को अपने पीतांबर से साफ किए, सफाई किए। और आप जरा सोचिए, अकेले कृष्ण इतने सारे गायों को एक साथ कैसे पूजा कर सकते हैं? वो कृष्ण ही कर सकते हैं, इसका कोई उत्तर नहीं। श्याम सुंदर अपने कई स्वरूपों में ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसा पूजा किए, गौ पूजा हुआ। गोपाष्टमी दिन क्या क्या होता है सुन लीजिए। गौ पूजा हुआ, केवल गौ पूजा नहीं, गौओं को हमारे इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर के गौशाला में जाएंगे तो लड्डू खिलाए। लड्डू लड्डू देखे होंगे, गौओं के लड्डू खिलाते हैं, आपत खाए वो गाय के लिए, गौ के लिए वो लड्डू खिलाए, मैंने भोजन कराया। उसके बाद वो गौएं भी बहुत सुंदर सज धज के थी, सोने के 24 कैरेट से भी ज्यादा होगा, सब सोने के गहने अलंकार पहने थे, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थे, सबको पूजा किए। इसके बाद जितने ब्राह्मण वहां उपस्थित थे, ब्रजवासी ब्राह्मण जितने थे, सबको ठाकुर जी ने प्रणाम किए और दान दिए। जो दान बाबा से लेके ठाकुर जी स्वयं सबको दान दिए, सबको प्रसन्न कराए। इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन या गोपाष्टमी के दिन या कभी भी ब्रजवासियों को जब आते हैं तो हमें उनको सेवा पूजा को प्रसन्न करना चाहिए। तो ठाकुर जी सिखाते हैं अपने निज परिकरों को। तो इस प्रकार से पूजा पाठ। इसके बाद क्या हुआ, जितने सब वयोवृद्ध गोप वहां उपस्थित थे, उपनंद महाराज, अभिनंद महाराज, जितने, इनको जरा संभालिए ना, जरा पीछे ले चले, जितने सब गोप थे वहां वयोवृद्ध, उनके जो ताऊ लगते हैं, सभी सभी वयोवृद्ध गोपों को प्रणाम किए, चरण छू के प्रणाम, अपने सखाओं को गले लगाए और छोटों को प्यार किए, सभी बड़े वृद्धों को प्रणाम किए। ये सब होने के बाद अभी नंद बाबा आ गया है। सुनिए नंद बाबा क्या करते हैं, एक सुंदर सी मणियों से युक्त
लकुटी, मणियों से युक्त लकुटी कन्हैया को देते हैं। अभी गाय चराने जाएंगे ना, बाबा का काम हल्का करेंगे, बाबा का कार्य करने जा रहे हैं, तो एक सुंदर सी लकुटी उन्होंने दी। कोई जाए थोड़ा इन लोगों को पीछे थोड़ा सा लेके जाए, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप पीछे खेलिए, उनको बोलिए उधर। तो लकुटी प्रदान की, ये सब होने के बाद अब बस समय है जाने की तैयारी। उसी समय एक बहुत अद्भुत घटना होता है। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे तो एक बार हरि बोल बोलिए। हरे कृष्णा हरे क्या होता है कि जब कृष्ण अभी चलने की बस तैयारी में है, माँ से रह नहीं गए, मैया भागे दौड़ी आ रही है, मतलब पास में ही थी, लेकिन उनसे उनका जो प्रेम है उछलने लगा और तुरंत आ गई, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी अपनी लाला को। तो वो आके सभी ग्वालों को, सभी सखाओं को बुलाए और एक एक सेवा दे रहे थे। बलराम तू मेरा बड़ा पुत्र है, बड़ा लाला है, कृष्ण के आगे ही रहे। जब गाय चराने जा रहे हैं ना, तो कृष्ण के आगे तुम रहना। और फिर सुबल को बोला, सुबल तू मेरा प्यारा बेटा है ना, हमेशा कृष्ण के पीछे रहना। और श्रीदाम सुदाम तुम कृष्ण के दाएं बाएं खड़े रहना, बिल्कुल ऐसे घेर कहीं चलना, बलराम को आगे बोले और सुबल को पीछे, सिदाम और सुदाम को दाएं बाएं। कहना कि यशोदा मैया कह रही थी लाला को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। सभी सखाओं को उन्होंने अपने अपनी अपनी सेवा बांट दी। इस प्रसंग में हमारे आचार्य एक सिद्धांत कहते हैं, यशोदा मैया से सीखते हैं, और वो कहते हैं जो व्यक्ति, सुनिए सिद्धांत क्या है ध्यान से, जो व्यक्ति, जो साधु, जो भक्त दूसरों को कृष्ण के सेवा में लगा दे वो गुरु तुल्य है। यशोदा ने सबको सेवा, बलराम बोले तुम आगे रहो, किसको बोले पीछे रहो, किसको बोले दाएं बाएं रहो, तो ये पूरे जो उनको सेवा में दिए। तो जो व्यक्ति किसको कहता है, माता जी आप ये सेवा कीजिए, जो ये सेवा कीजिए, प्रभु जी आप ये सेवा कीजिए, तो वो गुरु तुल्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यशोदा ने सभी रोहिणी आदि सभी माताओं ने उनको आरती उतारी और फिर चलने लगे। अब चलने की तैयारी जब हुए, सारे जितने गौवे थे सब आगे थे, ठीक है, और कृष्ण और बलराम पीछे थे। अभी दुंदुभी बजने लगे, शंख बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, अभी चलो गाय चराने के लिए सब निकल पड़े, लेकिन गौवे जा नहीं रहे थे। कौन बताएगा क्यों नहीं जा रहे थे? गौवे जा ही नहीं रहे थे, क्यों नहीं जा रहे थे? गौवे प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्याम सुंदर कहां, कन्हैया कहां है, वो तो पीछे है ना। जब जा नहीं रहे थे तो कन्हैया फिर आगे गए। जब कन्हैया आगे गए तो बाकी जितने गौवे थे अब देख लिए कन्हैया जा रहे, तो उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो कभी गौवे आगे तो कन्हैया पीछे, तो कन्हैया आगे तो गौवे पीछे, ऐसे आगे पीछे होके चलने लगे। आप देखिए, एक तो है कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं इस प्रसंग में, एक होता है वन प्रवेश और एक होता है व्रज प्रवेश। वर्णन इस तरह से करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहीं भी अगर भागवतों में वर्णन करते हैं तो कहते हैं आविशत, अर्थात कृष्ण वन में आए, कृष्ण वन में गए नहीं कहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए शब्दों को ध्यान दीजिए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार से कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ पहली बार गाय चराने के लिए वन में प्रवेश किए आए। तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी हमेशा कृष्ण के सामने रहते हैं। अगर वो वन में आ रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी वन में हैं, इसलिए कहते हैं कृष्ण आए। स्वागतम कृष्णा,
है ना। और जब ब्रज में प्रवेश करते हैं, गोधूली बेला में जब ब्रज में प्रवेश करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी मानस कृष्ण के सामने ही हमेशा रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अभी ब्रज में आए, गए नहीं, क्या आए। जब पहली बार आपके घर में ठाकुर जी आते हैं तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है ना? बस अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। प्रभु जी के घर में ठाकुर जी आए थे, गौरनिता है। तो वन में अब आप सब लोग वृंदावन में आ जाइए, मतलब वृंदावन में ही है आप। सुखदेव गोस्वामी के साथ आप सब भी वृंदावन में रहिए, और यहां से कृष्ण को बलराम जी के साथ, अपने सखाओं के साथ वन में आते हुए देखिए। जितने सब वनवासी थे, कौन? हिरन, कोयल, मोर, तोता, मैना इत्यादि पशु पक्षी, लता वृक्ष, और उसके साथ आप लोग जितने भी सब वृंदावन में, ब्रज में हैं, वन में हैं, और वहां से ठाकुर जी आ रहे हैं, तो उनको आते हुए देखते हुए सब लोग स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अभी वन में प्रवेश कर रहे हैं, तो वनवासी स्वागत कर रहे हैं। वनवासियों के लिए संडे फीस्ट, वनवासियों के लिए फेस्टिवल कि ठाकुर जी अभी आ रहे हैं। लेकिन एक के लिए दुख है, वो ब्रजवासियों के लिए, क्योंकि अभी उनके गांव से निकल गए, तो सारे गोप गोपियां जो हैं वो दुखी है कि अभी कृष्ण वन में चले गए। लेकिन सुखी कौन है? वनवासी। बताइए भक्तों, आप वनवासी बने या ब्रजवासी बनेंगे? बताओ, चाहे जो भी बनिए, दोनों हाथ में लड्डू है। तो चलिए अभी सुखदेव गोस्वामी के श्लोकों के अनुसार वनवासी बन के कृष्ण की स्वागत करते हैं। कहते हैं, तन्माधव गोपेनु मुदीरयन् मृतो गोपेर गुणद्भिस्वयसो बलान्वितः पशुं पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहत कामा कुसुमा करंबनम। कितना सुंदर अर्थ है। वन में प्रवेश करते समय कहते हैं तन तत् तदनंतर, इसके पश्चात माधव, भगवान का एक नाम है माधव। माधव क्यों कहते हैं? मां का अर्थ है लक्ष्मी, अथव पति, लक्ष्मी के पति हैं, इसलिए वो माधव है। तो यहां माधव शब्द लक्ष्मी पति के अर्थ में क्यों है कि जब से कृष्ण प्रकट हुए हैं, ये ब्रज धन संपदाओं से परिपूर्ण हो गए, इसलिए तो गोपियां गोपी गीत में कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रयत इंदिरा शाश्वत त्रधि। जब से आप ब्रज में प्रकट हुए हैं, मानो इंदिरा, लक्ष्मी जी ब्रज छोड़ के जा ही नहीं रही है। लक्ष्मी जी अभी भी ब्रज में कहां है? बेलबन में, है ना। तो लक्ष्मी जी जहां है वहां कोई भिखारी रहेगा? तो ब्रज में चारों ओर समृद्ध ही समृद्ध है, इसलिए माधव शब्द है। और एक अर्थ सुनिए माधव क्यों, तन माधव, माधव शब्द यहां क्यों प्रयोग किया गया? वसंत ऋतु को माधव कहते हैं, ठीक है, वसंत ऋतु को भी माधव कहते हैं। वसंत ऋतु फूलों से खिले हुई ऋतु, वसंत ऋतु सबको अच्छा लगता है। जैसे वसंत ऋतु आते ही सबको अच्छा लगता है, सबको पसंद है वसंत ऋतु। भगवान ने वसंत रास भी किए थे, जैसे शरत रास हुआ वैसे वसंत रास भी होता है। जैसे वसंत ऋतु सबको प्रिय है, वैसे ही माधव जब वन में प्रवेश किए, वन में तो चारों ओर उत्सव हो गया। चाहे वो भौंरा हो, कोयल हो, मोर हो, हिरन हो, या कोई भी तरु लता पशु पक्षी क्यों ना हो, सबके लिए उत्सव है। अरे क्यों ना हो, माधव जो आ रहे हैं। कितने अर्थ में बता रहा हूं सुनिए, एक शब्द का माधव का। तीसरा अर्थ सुनिए, माधव क्यों कहते हैं सुखदेव गोस्वामी? माधव इसीलिए कहते हैं, मां का अर्थ है लक्ष्मी, लेकिन यहां ब्रज वृंदावन में मां का अर्थ है श्री जी, राधा रानी।
और राधा श्री राधा आदि गोपियों को जो प्रिय करते हैं, जो प्रिय हैं, वो है माधव। इसका अर्थ ये है, गोपनीय अर्थ ये है, भगवान वन में प्रवेश किए, जिसका उल्लेख सुखदेव गोस्वामी माधव शब्द से कहते हैं कि मानो वन में इसलिए प्रवेश किए कि कभी कभी ऐसा भी होता था इसी आपके जिस तलहटी में आप बैठे हैं, गिरिराज के तलहटी में अपने सखाओं के साथ जब गाय चराने आते हैं तो किसी समय गाय चराते समय मध्यान्ह के समय अपने प्रिय नर्म सखा सुबल को लेके थोड़ा सा आता हूं कह के चले जाते हैं और पहले से संदेश पहुंच जाता है। उस समय कोई ईमेल व्हाट्सएप के आवश्यकता नहीं, पहले से संदेश जिस कान के ऊपर फूल रखते हैं उस दिशा में ठाकुर जी गए हैं। ये सारे जो संदेश है वो समझने वाले समझ जाएंगे, बाकी नहीं समझ पाएंगे कि इस कान पे ऊपर क्यों फूल रखे, इस कान पे ऊपर क्यों नहीं रखे। अर्थात आज जा रहे हैं राधा कुंड की तरफ, और इस कान के ऊपर अगर फूल रख देंगे तो आज जा रहे हैं महावन की तरफ, मतलब कोई और वन। इस प्रकार से वो इशारों को समझते हुए हमारे प्यारे ठाकुर जी श्री जी अपने सखियों के साथ किसी निकुंज में पहुंच जाते हैं, और यहाँ सब सखाओं से थोड़ा सा हटके अपने प्रिय नर्म सखा सुबल सखा इत्यादि को लेके ठाकुर जी थोड़े से सरक जाते हैं, निकल जाते हैं, और वहां वो प्रतीक्षा करते रहते हैं। और एक शिला के ऊपर, इसी आपके गिरिराज के एक शिला के ऊपर ठाकुर जी बैठ जाते हैं, उनके चरणों को श्री जी मतलब क्या कहते हैं प्रक्षालन करती है और चरणों को दबाती है कि इन्हीं चरणों से ये ब्रज में इस गोवर्धन में गाय चराने जाते। कितने कंटक कांटे रहते हैं, कितने कंकड़ रहते हैं, सहलाते हैं चरणों को, चरणों को बक्षस्थल को बक्षस्थल में ऐसे आलिंगन करके रखते हैं कि उनको सुकून मिले। ये भाव है कि हमारा सर्वस्व केवल उनके प्रसन्नता के लिए। आप सुन सकते हैं गोपी गीत, जो लोग जानते हैं या गाते हैं उसमें से कई ऐसे श्लोक हैं जो गोपियां यही कहते हैं कि हमारे बक्षस्थल में अपने चरणों को रखते हैं आपको सुख देने के लिए, कि किसी प्रकार का कष्ट ना आए। तो ये गोपनीय माधुर्यमय लीला किसी कुंज में किसी शिला के ऊपर होती है। उसके बाद सब सेवा पूजा होने के बाद अब टाइम हो गया चलना है ऐसा, फिर ठाकुर जी अपने सखाओं के पास आ जाते हैं। कहाँ गया था? नहीं कहीं नहीं, इधर ही था, कहाँ गया था? सब तो सबको प्रसन्न करते हैं, इसलिए माधव तन माधव बलन्वित बलराम जी के साथ स्व यश अपने यश का गृणत भी गान करने वाले। वो सखाएं कैसे थे देखो, जो सख्य भाव में जरा सुन लीजिए, जो भी भक्त जो भी जिसका जो भाव है अपना अपना भाव को ग्रहण कर लेना चाहिए, बताने की आवश्यकता नहीं। जो सख्य भाव में है उनके लिए यह वर्णन है कि ठाकुर जी जब अपने बलराम दाऊ भैया के साथ जाते हैं गाय चराने के लिए, जो जितने सखाए थे सब कृष्ण की कृष्ण बलराम की गुणगान करते हैं, जय हो मेरे दाऊ भैया की, प्यारे श्याम सुंदर की, सब ठाकुर जी की गुणगान करते हैं गीत गाते हुए सुंदर सुंदर अपने। वो सब एक एक कवि होते हैं ना, सब सुंदर पदों से गीत गाते हुए कृष्ण बलराम की गाते गीत गाते हुए सब लोग चलते हैं। इसलिए यहाँ के आगे है कि स्व यश अपने यश का गृणत भी गान करने वाले गोपी वृत ग्वाल बालों से घिरे हुए, श्याम सुंदर ग्वाल बालों से घिरे हुए, वेणु उदिरयन वेणु बजाते हुए, वेणु को बजाते हुए बंसी बजाते हुए पशु गायों को पुरस्कृत आगे करके। इस श्लोक में वर्णन है ठाकुर जी जब चलते हैं तो गायों को आगे करके पशु पुरस्कृत बिहर्त काम इच्छा से, क्या इच्छा है, क्या इच्छा है, वन में विहार करने की इच्छा है।
ठाकुर जी को ये इच्छा हुई कि मैं वन में विहार करूं, विहार तो काम विहार करने की इच्छा से पसप्यम पशुओं के साथ कुसुमा करम पुष्पों की खान। वृंदावन कैसा है? पुष्पों की खान है। कुसुमा करम बनम उस वन में आविशत प्रविष्ट हुई और उस वन में अभी वृंदावन का सुंदर वर्णन हो रहा है। बस एक पांच मिनट में वृंदावन का वर्णन करके हम विराम देंगे, फिर कीर्तन होगा। कहते हैं तन्मंज घोषाल मृगाद जाकुलम महात्मन प्रक्षपय सरस्वत वाते न जुष्टम शतपत्र गंधिना निरीक्षरंतम भगवान मनोदधे। तन उस वन में, किस वन में बोलिए? वृंदावन में। अली, अली शब्द का अर्थ है भौरे। भौरे देखे ना, भौरे गुंजन करते हैं जुन। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जैसे सुबह सुबह मंगल आरती के बाद इस्कॉन के सारे भक्त मंदिर में बैठ के जप करते हैं, जैसा सब सुनाई देता है, हरे इसको तुलना करते हैं भावरों के गुंजन के साथ। मंज घोषा मधुर गुंजर गुंजर कर रहे थे भ्रमर। और कौन? मृग द्विज हरिण, मृग अर्थात हरिण, ब्रज में जो हरिण हरिण थे और पक्षियों से। वृंदावन कैसा था? आकुल व्याप्त था सब। मैं तो कह रहा हूं ऐसा वर्णन आपको अभी भी सुनने को मिलेगा जब कभी आप थोड़े तलहटी में विचरण करने लगे, विचरेंगे मोर की आवाज। यहाँ यहाँ भी हमने कई बार सुना मोर कोयल इतने सुंदर सुंदर। ये जो रास्ता है ना पल्ली पर जाइए, मतलब बिल्कुल अंदर की रास्ता, वहां आपको ये सब सुनने को मिलता है। तो वृंदावन के जो सरोवर थे जिसमें सतपत्र कमल की कमल पुष्प से खिले हुए थे और कमल के पुष्पों से सुगंध निकल रही थी और सुगंध हवा में बहती हुई जा रही थी और वो सरोवर का जल कैसा था? स्वच्छ, पूर्णतया स्वच्छ जल। सरस्वता सतपत्र गंधिना वाते न दुष्टम निरीक्ष्य भगवान। तो वो कहते हैं वृंदावन के जितने सरोवर, जैसे एक दो बोल दीजिए, कुसुम सरोवर और मान सरोवर और चंद्र सरोवर और प्रेम सरोवर, पावन सरोवर आपके गांव के मान सरोवर, जितने भी सब सरोवर थे सरोवर में पुष्प खिले थे और सरोवर के जल कैसा था? कैसा था सरोवर का जल? पूर्णतया स्वच्छ, बिल्कुल साफ। जैसे क्या तुलना करते हैं आप? जैसे भक्तों का मन स्वच्छ है। सुखदेव गोस्वामी क्या देखो तुलना कहते हैं वाते न दुष्टम शतपत्र गंधिना महात्मना प्रक्षपय सरस्वत। वृंदावन के नदी और सरोवर का सरोवरों के जल इतने स्वच्छ थे, इतने स्वच्छ थे जैसे हमारे भक्तों का मन स्वच्छ है। हमारे भक्तों का मन, वैष्णवों का मन जैसे ना काम ना क्रोध ना किसी भी प्रकार के विकारों से मुक्त है, उसी प्रकार से वृंदावन के सरोवरों का जल, चाहे वो मानसी गंगा हो या यमुना जी, सबका जल स्वच्छ है और कमल से भरे हुए हैं। और कैसे कमल? सतपत्र, एक एक कमल के पुकड़े कितने हैं? 100। और सुगंधित सुगंध निकल रही थी, उस सुगंधित हवा को लेके वृंदावन पूरा चारों ओर महक रहे थे। और ऐसे वन में हमारे प्यारे ठाकुर जी बलराम जी के साथ अपने सखाओं के साथ प्रवेश किए। तो प्रवेश किए तो मैंने सब पहले ही आपको बोल दिया कि हम अभी वन में है सुखदेव गोस्वामी के साथ, तो हमारे लिए आए इसलिए स्वागत करना चाहिए। स्वागतम कृष्णा
सुस्वागतम कृष्णा से सारे वनवासी चाहे वो हिरण हो कोयल हो मोर हो पशु पक्षी तरु लता समस्त वनवासी बड़े आनंद से हमारे प्यारे श्याम सुंदर और दाऊ भैया अपने सखाओं को जो गाय चराने के लिए प्रवेश किए तो स्वागत करते हैं और वृंदावन का सुंदर शोभा का वर्णन है तो वृंदावन की शोभा का कई श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं जिसको हम सुनेंगे। इसके बाद और भी ये वन में जब कृष्ण प्रवेश करते हैं तो सारे वृक्ष जो है वृक्ष लता बड़े बड़े वृक्ष ये वृक्ष है कौन है वृक्ष ये कोई अमेरिका के दिल्ली के राजस्थान के वृक्ष नहीं है ब्रज के वृक्ष है वृंदावन के वृक्ष को राधे राधे बोल जहां डार डार और पात पात में हर एक वृक्ष में आपको राधे राधे सुनाई देगा। आज कुछ भक्त लग गए थे वृक्ष के पास अब देखते हैं क्या सुनाई दिया देखते हैं। तो ये सारे वृक्ष जो बड़े बड़े ऋषि मुनि गोप गोपियां हैं जो वृक्ष के रूप में भी तरु जन्म को धारण करके ठाकुर जी की सेवा के लिए तत्पर हैं। भक्तों एक बात ध्यान से सुन लीजिए इस पूरे संपूर्ण ब्रजमंडल में इतना पावन भूमि है इतना पवित्र है साक्षात भगवान का धाम है। तीर्थराज प्रयाग एक बार भगवान के पास जाके कंप्लेन किया है ना कि मुझे तीर्थों का राजा बनाए मैंने मीटिंग बुलाया तो वृंदावन नहीं आते। महाराज श्री कहते हैं कि तुम्हें तीर्थों का राजा बने अपने घर का नहीं ये तो मेरा घर है ये तीर्थ थोड़ी ये मेरा घर है मैं यहाँ नित्य वास करता हूं। तो ये ठाकुर जी का नित्य घर है जो भी ब्रज में आते हैं रहते हैं वो हमारे ठाकुर जी के गोद में रहते हैं। यहाँ का हर एक कीट पतंग घास तरु लता सभी चिन्मय है क्या है किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए और उनको उतना यथा योग्य आदर देना चाहिए। तो ये तरु जो है बड़े बड़े वृक्ष झुक जाते हैं। वो बच्चों के लिए वो एक टीवी सीरियल आया था लिटिल कृष्णा उसमें भी आपने देखा होगा सारे वृक्ष जो है झुक जाते हैं और ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। ऐसे तोड़ना नहीं पड़ता है जितने भी फल है फूल है सब स्वयं अर्पण कर देते हैं और झुक जाते हैं। तो इस दृश्य को देख के कृष्ण बलराम से कहते हैं वास्तव में सारे वृक्ष लता कृष्ण को कृष्ण के चरणों को नमन करते हैं कृष्ण को झुक जाते हैं कृष्ण के चरणों में झुक जाते हैं लेकिन बड़े भैया के सामने अपना सम्मान नहीं करना चाहिए है ना। इसलिए सारा श्लोक जो वर्णन है सुखदेव गोस्वामी कृष्ण बलराम को देखो भैया देखो 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 ये बड़े बड़े पेड़ कैसे वृक्ष कैसे झुक के आपको नमन करते हैं देखो हरिणियां कैसे प्यार से आपकी ओर देखते हैं जैसे गोपियां देखते हैं। तो बलराम जी को खूब पता है किसके बारे में बोल रहा है साला खुद के बारे में बोल रहा है मना मेरा नाम ले रहा है। तो वास्तव में सब भगवान को सब प्रणाम कर रहे थे हरिणियां भगवान को देख रहे थे गोपियों की तरह तिरछी नजर से और प्रेम भरी दृष्टि से लेकिन बड़ों के सामने अपनी गुणगान नहीं करना चाहिए इसलिए जानबूझ के भगवान
श्याम सुंदर जो अपने ठाकुर जी हैं, दाऊ भैया को सारा क्रेडिट देते हैं, है ना। जैसे हम भी कहते हैं ना कई बार, जानते हो इस हॉल की सजावट, इस सुंदर व्यवस्था किसने किया, जानते हैं, सुंदर ये प्रभु जी ने ही किया। तो मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से हम दूसरे को श्रेय देते हैं ऐसे ही सब उनके लिए, लेकिन फिर भी कहते हैं हे भैया, हे दाऊ, आपको ये सब प्रणाम करते हैं। तो इतना सुंदर वर्णन है, आप सब लोग कल समय पे आइए और हम इसको और सुंदर विस्तृत वर्णन करेंगे कि कैसे सारे वनवासी ठाकुर जी को स्वागत किए। ऐसा भाव हम में से प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए, अपने प्यारे श्याम सुंदर के प्रति उनकी सेवा के लिए हमें समर्पित होना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।